हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीएमएस लेक्चर सीरीज वाराणसी में। अभी तक हम लोगों ने जाना कि जो इन्फ्लामेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है और इसके साथ साथ उसके साइन सिम्टम्स और उनकी कॉजेज़ के बारे में देख लिया। उसके साथ साथ हम लोगों ने स्टेप इन्फ्लामेशन के देख लिए। अभी तक हमने पहले पढ़ा है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन इनके टाइप इन्फ्लामेशन के, देन उसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन की जो भी स्टेप्स है, अभी हम लोग यहाँ पे इवेंट्स कुछ कुछ होते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन में, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। एक्यूट इन्फ्लामेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, देन अभी भी देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन हैव टू सीरीज ऑफ इवेंट दैट मे टेक प्लेस आफ्टर द इंजरी और इन्फ्लामेशन दे आर। यानी कि जो एक्यूट इन्फ्लामेशन कब होती है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, इसमें दो सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं। कौन कौन से? वैस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट। अभी हम लोग देखेंगे जैसे कि कोई भी इंजरी होती है, देन उसके बाद ये वैस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट कैसे होते हैं, ठीक है। इनकी प्रोसेस क्या है कि कोई भी साइट पे वहाँ पे इंजरी या फिर इन्फेक्शन हो रही है तो वहाँ पे टिश्यू इम्यून सेल गेट एक्टिवेटेड, यानी कि वहाँ की जो इम्यून सेल होती है एक्टिवेट हो जाती है कि वहाँ पे इंजरी या फिर वहाँ पे इन्फेक्शन हो गई है, तो वहाँ वो जाके एंटीजन को स्टिमुलेट करती है। तो ये एंटीजन कैसे स्टिमुलेट होती हैं, जब साइट पे इंजरी या फिर इन्फेक्शन होता है तो वहाँ की इम्यून सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, देन उसके बाद ये दो एंटीजन को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो ये दो एंटीजन कैसे एक्टिवेट होते हैं, पहले जो एंटीजन है वो है पैथोजेन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न और दूसरी एंटीजन है डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ये कब होते हैं, जैसे कि कोई भी साइट पे अगर इंजरी हो रही है यानी चोट लग रही है, तो चोट हो रही है तब वहाँ पे डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न एंटीजन होंगे, और वहाँ पे अगर साइट पे इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो रही है या फिर इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ के एंटीजन में क्या होगा, पैथोजेन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न एंटीजन जो होंगे वो एक्टिव होंगे। देन उसके बाद दोनों में से कोई एक एक्टिवेट होने के बाद वहाँ से क्या होती है, रिलीज इन्फ्लामेटरी मेडिएटर। अभी हम लोग जस्ट इसके पहले इनकी स्टेप्स को देखे थे, तो क्या होती है कि सबसे पहले कि इंजरी साइट पे इंजरी हुई, देन उसके बाद इम्यून सेल गेट एक्टिवेटेड, यानी कि वहाँ की इम्यून सेल एक्टिवेट हो जाती है, दोनों में से कोई एंटीजन एक्टिवेट हो जाते हैं, या फिर इंजरी साइट पे हो तो डैमेज सेल और इन्फेक्शन हो तो पैथोजेन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। देन उसके बाद रिलीज इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी रेडिएटर्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। देन उसके बाद जो क्लिनिकल साइन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था आज, वो सारे क्लिनिकल साइन अपीयरेंस होने लगते हैं। तो पहले क्या होता है, पेन, जो साइड पे चोट लगी रहती है और फिर वहाँ पे उंड बना रहता है तो वहाँ की ब्लड सप्लाई वगैरह वहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वैसो डायलेशन हो जाता है, देन उसके वहाँ पे पेन होती है। पेन होने के कारण वहाँ पे जहाँ पे चोट लगी रहती है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो उसके कारण रेडनेस और वहाँ पे हीट हो जाती है, हीट होने के साथ साथ उसकी परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है और वहाँ से प्लाज्मा सेल सिक्रीट होकर टिश्यू में जाने लगते हैं, तो वहाँ पे जो इंजरी साइट है वहाँ पे स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। ये पाँचों साइन जो है वो क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन है। यहाँ से जो पेन के साइड से है वहाँ से आपकी वैस्कुलर इवेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले पेन होता है, पेन जैसे क्यों, जिस साइड पे चोट लगी है वहाँ पे क्या होती है, मोर एंड मोर ब्लड सप्लाईज और या फिर कैपिलरीज या फिर कुछ उनकी सप्लाईज होने लगती है, वहाँ पे ब्लड का लेवल अचानक से बढ़ जाता है, देन उसके बाद वहाँ पे रेडनेस आती है और ब्लड सप्लाई होने की वजह से हीट आती है, देन उसकी परमिबिलिटी इंक्रीज होने के बाद उनकी स्वेलिंग भी हो जाती है, वहाँ से प्लाज्मा लीक होकर टिश्यू में जाने लगते हैं। अभी जैसे इसके पहले हम लोगों ने इन्फ्लामेशन के स्टेप्स को देखा था, देन उसके बाद लॉस ऑफ फंक्शन हो जाते हैं और वैस्कुलर इवेंट हो जाता है, उसके बाद सेलुलर इवेंट इन्फ्लामेशन के शुरू होते हैं। अब हम लोग जानेंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन की सेलुलर इवेंट के बारे में। अभी से जस्ट पहले हम लोगों ने जाना था वैस्कुलर इवेंट के बारे में, अब हम लोग जानेंगे जो फाइव साइन दिखा दिए उसके बाद सेलुलर इवेंट को। सेलुलर इवेंट इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स माइग्रेट, ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स क्या होते हैं सेलुलर इवेंट पे, वही मेडिएटर्स जो क्या करते हैं, जो पूरे साइंस को दिखाते हैं, इन्फ्लामेशन के जो साइंस को दिखाते हैं उनको क्या कहते हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर। न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस, यानी कि सेलुलर इवेंट में क्या होता है कि
जो भी फाइव साइंस दिखाते हैं इन्फ्लामेटरी मेडिएटर, वो क्या कहते हैं, साइट पे न्यूट्रोफिल्स को बुलाते हैं और क्या कहते हैं, वो वहाँ के टिश्यूज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल्स को जिस साइट पे इन्फ्लामेशन या फिर इंजरी हुई रहती है उस साइट पे न्यूट्रोफिल्स को बुलाते हैं और वहाँ की जो भी टिश्यू होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनके कुछ स्टेजेस हैं सेलुलर इवेंट के। पहले स्टेजेस क्या होती है, एडहेशन, यानी कि WC जो होते हैं, WBC जो होते हैं, एडियर टू द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, यानी कि जहां पे इंजरी हुई रहती है वहां पे जाते हैं, WBC न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उस वॉल के पास जाते हैं। देन क्या होता है, डाइपेडेसिस, यानी कि WBC माइग्रेट थ्रू द ब्लड वेसल इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, यानी कि जिस जहां पे जो इन्फ्लामेशन हुई रहती है वो WBC जाके उस साइट पे वहाँ पे माइग्रेट करते हैं। देन उसके बाद क्या आती है, कीमोटैक्सिस, यानी कि मूवमेंट ऑफ WBC टुवर्ड द माइक्रो ऑर्गनिज्म, यानी कि वो WBC क्या होती है, जिन वजह से इंजरी हुई है यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गनिज्म होते हैं उनके पास जाते हैं, मूवमेंट ऑफ WBC टुवर्ड द माइक्रो ऑर्गनिज्म। देन उसके बाद जो चौथी स्टेजेस है वो है फाइगोसाइटोसिस, यानी कि इंजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो WBC होती है वो क्या करती है, इंजेशन यानी कि खा जाती है। देन उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल, और जो उनके वेस्ट मटेरियल को होती है उसको वहीं पे डिस्चार्ज करके देन उसके बाद इन्फ्लामेशन को अकर करती है। इस तरह इन्फ्लामेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई, एक्यूट इन्फ्लामेशन।